मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा यहां एक और माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं छोटे मोटे प्लॉटों पर भी फर्जी दस्तावेज कर आम जनता को परेशान करने वाले बदमाशों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर एयरड्रम पुलिस ने लाखों रुपए में प्लॉट बेचने के मामले में 3 आरोपियों सहित एक महिला आरोपी को बनाया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम नगर के रहने वाली महिला फरियादी द्वारा थाने आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके प्लॉट पर एक महिला व कुछ बदमाशों द्वारा फर्जी आधार कार्ड हुआ रजिस्ट्री कर प्लॉट को लाखों रुपए में भेज दिया गया। शिकायत की जांच करने के बाद एरोड्रम पुलिस ने बबलू खान, राकेश प्रजापत, विनोद सहित एक महिला को आरोपी बनाया है। फिलहाल पुलिस ने बबलू खान को गिरफ्तार कर लिया है व अन्य बदमाशों की भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पकड़ा बबलू व उसके गिरोह द्वारा शहर में कई प्लॉटों के फर्जी दस्तावेज बनाकर पर्दे के पीछे से दूसरे मालिक खड़े कर दिए जाते थे और फर्जीवाड़ा कर उसे तीसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता था। फिलहाल पकड़ाए बबलू खान से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि अन्य प्लॉटों के बारे में भी खुलासा हो सके। थाना एरोड्रम में फरियादा द्वारा एक शिकायत की गई कि उसके द्वारा एक प्लॉट खरीदा गया था, उस प्लॉट पे किसी अन्य के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसमें जांच में यह पाया गया कि जो फरियादा थी उसके नाम की जगह कोई अन्य महिला बन गई जिसका नाम सपना उर्फ सुखिया था, जो प्रार्थिया का नाम का उसके द्वारा वोटर आईडी कार्ड तैयार किया गया और इन पूरी इसमें बबलू खान, राकेश प्रजापत, विनोद सेन, कुद्दूस अली इनका सहयोग रहा। इन सब की ओर से उस प्लाट को बिकवाया गया तथा फर्जी वोटर आईडी कार्ड तैयार किया, जो फरियादी के रिपोर्ट पर जांच में धारा 420, 467, 468 और 120B का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 3 आरोपी राकेश प्रजापत को छोड़कर बबलू खान, विनोद सेन, कुद्दूस अली की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है।